नमस्कार दोस्तों, मैं डीएसके। आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बात करते हैं कल रात के वीकेंड की वार की। अच्छा, उसके पहले याद देख रहे हो ऊपर, अदनान तुमने ये मुझे दिया है, मैंने ये लगा लिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। तो कल का जो वीकेंड का वार था दोस्तों, कल के वीकेंड के वार में आपने देख लिया कि कुंभकर्ण की नींद से जग गए सलमान खान। अब जाग गए या कलर्स की टीम ने जगा दिया, या पब्लिक के हमारे सबके जो फीडबैक जा रहे हैं, रिव्यू जा रहे हैं, पोस्ट जा रहे हैं, वो सब देखकर तिलमिला उठी थी कलर्स की टीम। और कल हमने अपनी आंखों से देखा भी कि सलमान खान खुद हाथ में रिमोट पकड़कर देख रहे थे सारे क्लिपिंग्स वगैरह सब कुछ। तो सलमान खान ने जो कल क्लास ली है या वाट लगाई है या आईना दिखाया है कोबरा फैमिली को, ये सब कुछ उन्हें काफी टाइम पहले कर लेना चाहिए था। ये जो वॉट लगाई है सलमान खान ने, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि देर है दुरुस्त है, ये तो बहुत ज्यादा लेट आए हैं, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बस 3 वीक का खेल बचा है एंड शायद ये डैमेज कंट्रोल के लिए किया गया, जो भी किया गया, लेकिन यहाँ काफी बढ़िया तरीके से आईना दिखाया गया। कुछ कसर रह गई मेरे नजरिए में, कुछ और इश्यूज उठाए जा सकते थे, कुछ और स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में लोगों को समझाया जा सकता था, लेकिन जितना भी बोला है उतना काफी अच्छा था। ये इस सीजन का अनडाउटेडली द बेस्ट वीकेंड का वार था। ये जो वीकेंड का वार शुरू हुआ था काल कोठरी वाले किस्से से, जहां पर कि सुरभि को कप्तानी मिल चुकी है। जब सुरभि कप्तान बनती है तो यहां पर एक कहावत लागू होती है, बंदर के हाथ में उस्तरा देना, वो दूसरों के नाक कान काटेगा, खुद के भी काटेगा। सुरभि जब भी कप्तान बनी है उसने हद दर्जे की पार्शियलिटी की है। आज इस एपिसोड में पार्शियलिटी पार्शियलिटी का ये रोना रो रही थी, ये रहने दीजिए, गाली गलौज बहुत दे दी मैंने, गाली गलौज अब नहीं करूंगा मैं, आज गाली देने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। कितनी पार्शियलिटी इसने, यू नो, लास्ट टू लास्ट वीक जब ये कैप्टन बनी थी, इसने दीपिका, जसलीन और मेगा को जेल भेज दिया था। ये वही सुरभि है जो दूसरों को ज्ञान देती है कि आप, यू नो, अपने दोस्तों को बचाते हो, आप गलत को डिफेंड करते हो, आप सच का साथ नहीं देते हो। मैं सुरभि राणा हूं, मैं सच को सच बोलती हूँ, गलत को गलत बोलती हूँ, मैं रियल प्लेयर हूं, मैं जेन्युइन प्लेयर हूं, मैं मम्मा का शेर बच्चा हूं, मम्मा गई थी जंगल या शेर आया था घर पे। एनीवे, सुरभि तो सुरभि है, जो चुड़ैल होती है, डायन होती है, वो भी 4 घर छोड़ देती है, लेकिन ये सुरभि तो इतनी बड़ी वाली एहसान फरामोश है। जिस श्रीशंत की वजह से ये कैप्टेंसी में आई, जिस श्रीशंत ने इसको कार गिफ्ट कर दी, उसी श्रीशंत को सबसे पहले जेल भेज दिया। क्यों? रोहित को बचाना था। रोहित अभी इसका बहुत बड़ा पार्टनर बना हुआ है, रोहित की हर गलती को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करती है। तो श्री रोमिल और दीपक का नाम गया था काल कोठरी के लिए। श्री, एज ऑलवेज, मैं नहीं जाएंगे बिग बॉस, प्लीज ओपन द कन्फेशन रूम, आई वांट टू टॉक टू यू, बिग बॉस मैं नहीं जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली चले गए। यहाँ पर फनी मोमेंट थे थोड़े बहुत, रोमिल दीपक जो मस्ती मजाक कर रहे थे, श्री माय डायलॉग का सूट पहनकर जेल में आया, ओ माय गॉड हाउ रिडिकुलस दैट इज। एनीवे, जेल काल कोठरी की बात शुरू हो गई सलमान भाई की क्लास, और आते से ही उन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाया काल कोठरी का। काल कोठरी का ऑल ऑफ अ सडन जो सलमान भाई ने मुद्दा उठाया है कि अनफेयर थी सुरभि एज अ कप्तान, तो भैया सुरभि जब भी कप्तान बनी है वो अनफेयर ही रही है, उसने हमेशा अपने दोस्तों को बचाया है, और जो लोग गलत नहीं थे, बेगुनाह थे, नाग वाली टास्क के दौरान आपने देखा तो रोहित कितनी बदतमीजी कर रहा था, लेकिन जेल के उसको भेजा था जसलीन और मेघा को। सलमान भाई, उस टाइम पर ही आपको ये मुद्दा उठाना था, लेकिन आप तो देखते ही नहीं थे, आप तो शूटिंग में बिजी थे, अब आप डैमेज कंट्रोल वाले मूड में आए हो। खैर ठीक है, जब जागे तब सवेरा, लेकिन सवेरा बहुत देर हो चुका है, वैसे सुबह सूरज उठता है 5-6 बजे और आपका सवेरा 12-1 बजे हो रहा, तो क्या बोला जा सकता है इस बारे में। लेकिन जितना भी बोला यार सुरभि को उसकी रियल वैल्यू बताई गई, उसे आईना दिखाया गया कि सुरभि एक्चुअली में जेल में आपको होना चाहिए था और रोहित को होना चाहिए था। और सुशांति का तो मुंह इतना सूख गया था कि काटो तो उसकी बॉडी से खून तक ना निकले। उसे उसे जिस तरीके से रिमाइंड कराया गया कि बेटा तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम सिर्फ किसी के, यू नो, कनेक्शन की वजह से शो में आ गए हो, तुम एक सेलिब्रिटी को डिग्रेड कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, उसके नाम से तुम पब्लिसिटी ले रहे हो, फटीचर तो तुम खुद हो और तुम दूसरे को बोल रहे हो। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सुरभि और रोहित दोनों की खिंचाई की गई थी। बहुत हार्श वर्ड यूज कर सकते थे सलमान खान, लेकिन उन्होंने जो वर्ड यूज किए वो भी अपनी जगह काफी सही थे, और शायद उनका जो तेवर था वो अपने आप में काफी था, जिस तरह से उनकी आंखें बयां कर रही थी, फेशियल एक्सप्रेशन बयां कर रहे थे। सुरभि और रोहित का तो मतलब, यू नो, सामूहिक तिरस्कार कर दिया गया था, स्पेशली सुरभि इतना प्रोवोक करती है, इरिटेट करती है, बदतमीजी बदतमीजी, यू नो, बोलती है कि श्रीशांत ऐसे घटिया इंसान है, ये है वो है,
सुरभि को जो आईना दिखाया गया ना, माय गॉड, जबरदस्त तरीके से। लेकिन ये इतनी बेशरम, बेहया, बेगैरत इंसान है कि ये अपनी गलती कभी बर्दाश्त नहीं करती है। आज भी आपने देख लिया ना, जैसे ही वो क्लास लेगी उसके बाद कैसे वॉशरूम में जाके पार्शियलिटी, अबे तेरे से बड़ा पार्शियल दुनिया में कोई नहीं है, तू बात कर रही है पार्शियलिटी की। अगर मतलब श्रीचंद को, दीपिका को सुनाया जाए तब तक हम खुश, सलमान भैया बहुत अच्छे हैं। सलमान भैया ने अगर तुझे सुना दिया, सलमान भैया पार्शियल है, ही स्कोल्डेड मी लाइक एनीथिंग बिकॉज आई एम अ कॉमनर, दे आर सेलिब्रिटी सो दे हैव एवरीथिंग। अबे लास्ट वीकेंड पर श्रीशंत को अनफेयर तरीके से, अननेसेसरी, जबरदस्ती तेरी वजह से सुनना पड़ा, तब तो तू बड़ी खुश थी। ये सुरभि ना उन घटिया ब्रीड के लोगों में है, उन थर्ड क्लास चीप लोगों में है जो फेक फेमिनिज्म विक्टिम कार्ड तुरंत निकाल के आते हैं और सिंपथी सीख करते हैं। खुद कुछ भी कर लेंगे, हमको मत बोलो। आप इरिटेट करते हो, आप टीवी पर आते हो तो टीवी बंद कर लेते हैं लोग, टीआरपी गिर रही है, आपकी वजह से लोग इरिटेट हो रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट नहीं होता। ये तमाम बातें काफी थी सुरभि को उसका सच दिखाने के लिए। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं सुरभि जैसे, वो सच बर्दाश्त नहीं करते। ये दूसरों को ज्ञान बहुत देते हैं कि आप जो कहो मुंह पर बोलो, पीठ में चुरा मत भोंको, मेरा जो गलती है वो मुझे सामने बोलो। लेकिन आपकी आंखों के सामने आपको फीडबैक दिया जा रहा है, तो आप उस फीडबैक को पॉजिटिवली लेने के बजाय दूसरों पर ठीकरा फोड़ने लगते हो कि सलमान भैया समय नहीं है कि मैं दूसरों की गलती बताऊं, सलमान भैया मैं एग्रेशन है मेरा, तेरा एग्रेशन है, सामने वाले की एग्रेशन फुटेज है, वाह, तेरा इरिटेट करना, प्रोवोक करना जस्टिफाइड है, सामने वाला करे तो हाँ, ये क्या होता है, तूने मिडिल फिंगर दिखाई तो तू बोलती उन्होंने भी मुझे दिखाई थी, उन्होंने भी ये करा था। अरे उन्होंने तो तुझे दो तीन बार कैप्टन बनाया, तूने कुछ किया तूने, उन्होंने वो टास्क में जीती कार तुझे दे दी, तूने क्या दिया उनको, जेल, काल कोठरी। ऐसा कुछ अगर सलमान खान करते बड़ा मजा आता, सुरभि को उसी के शब्दों में लपेट लपेट कर धोते ना, वाकई में मजा आ जाता। सुरभि के बाद कोबरा फैमिली की एक और मेंबर सुशांति की जो जबरदस्त क्लास ली है ना भाई, दिल खुश हो गया। खुद स्कूल से आगे बढ़कर क्रिकेट नहीं खेल पाया और इंटरनेशनल क्रिकेटर को यह बताता है कि कैच कैसे लेना चाहिए। अबे तुम्हारे बाप जमाने में किसी ने यू नो स्टेडियम में पिच पर जाके खेला नहीं होगा, इतने सारे क्राउड के सामने खेला क्या, पानी की बोतल लाने लायक नहीं हो तुम वहां पर, और तुम एक इंटरनेशनल क्रिकेटर का नाम यूज करो पब्लिसिटी के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ पकड़ के धोया है सुशांति को, जबरदस्त तरीके से। इसी कोबरा फैमिली का एक और मेंबर नाग द कोबरा, अब ये ब्रा वाला जो इश्यू है जो कि 2 हफ्ते के बाद आज सलमान खान ने उठाया। अब गाइज यहां पर ये ब्रा इंसिडेंट, यू नो जो कोबरा ने जो ब्रापंती करी थी, वो क्लिप हम सबको दिखाई गई, घर वालों को भी दिखा देते ना, सलमान भाई आपने इस एपिसोड में बहुत सारी क्लिप दिखाई थी चेस्ट बंपिंग वाली, यू नो एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं, जहां पर कि सोमी की फ्रस्ट्रेशन हम सबने देखी थी। खिसियानी बिल्ली होती ना वो भी लाख गुना अच्छी है, लेकिन सोमी तो उससे भी 10 गुना बकवास टाइप की प्रजाति है। फिर बात अपब्रिंगिंग पे चली जाएगी, फिर वो घटियापंती बदतमीज ही कर रहा है, इसने जिंदगी में कुछ सीखा नहीं, आज इसका होंठ देखे थे सुअर जैसे लग रहे थे, बिल्कुल बेवकूफ, एकदम थर्ड क्लास इंसान है। तो मैं बात कर रहा था कोबरा की इस ब्रापंती की। तो ये जो इश्यू था ये 2 वीक पहले था, मैं यहां पर थैंक्स बोलना चाहूंगा हर्डश को जिन्होंने वो क्लिप शेयर की, और पूरा श्री फैम, पूरे श्रीशंत के जितने फैंस हैं उन्होंने उस क्लिप को वायरल किया, जिसकी वजह से सलमान खान को ना चाहते हुए भी वो इश्यू यहां पर रेज करना पड़ा। ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये साबित करता है कि अगर हम सब लोग मिलकर एक अच्छे काम को सपोर्ट करते हैं तो वो काम ऊपर तक पहुंचता ही है, और मजबूर कर देता है चैनल को, सलमान खान को, कि आप पब्लिक के द्वारा भेजे गए उस फीडबैक को नोटिस करें, ना सिर्फ नोटिस करें बल्कि अपने एपिसोड में शामिल भी करें। ये क्लिप दीपिका और यू नो बाकी सारी लेडीज को दिखाई जाती है ना पूरी क्लिप, बाय गॉड केवी की ना गुर्दे छिल जाते, बहुत ज्यादा लेडीज रिस्पेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना फिर रहा है ना, ये वर्ड कैच करता है अगर श्री कुछ बोलते हैं, रोमिल कुछ बोलते हैं तो इसके भारी गुर्दे छिल जाते हैं। लेकिन अगर ये क्लिप दिखा दी जाती ना, इसके गुर्दे मतलब फटके गले से निकल के बाहर गिर जाते कारपेट के ऊपर, पता चल जाता है इसको कि मैं कहां किस मुकाम पर खड़ा हूं। इसको लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, बड़ी बड़ी जुल्फे करके मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, बाहर आओगे ना केवी आपको पता चल जाएगा लोगों ने आपके नाम पर हेलमेट निकालना शुरू कर दिए हैं कि इंडिया में नए हेलमेट इजाद हो गए हैं, आप सर पर हेलमेट नहीं आप ब्रा पहन लो, पुलिस वाले आपको नहीं पकड़ेंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो भी हेलमेट ही है ना आपकी तरह से, हेलमेट पूरा हेलमेट हुआ पुराना, ब्रामेट का है जमाना। ऑल थैंक्स टू द न्यू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया करणवीर द कोबरा। पूरी कोबरा फैमिली, रोहित, सुरभि और केवी जलील हुए हैं, इनको जिल्लत के लड्डू जो मिले हैं भर भर के। देखिए एक होती इंसल्ट, इंसल्ट कर दी जाती है, इंसल्ट से भी 10 गुना बुरी होती है जिल्लत, जलालत,
वो आज दी गई है, उसके लड्डू बना बना के जबरदस्ती ठूसे गए हैं मुंह में सुरभि के, रोहित के और केवी के, इनको ये जलालत हजम नहीं होगी, इस बात में तो मुझे कोई शक नहीं है। ये लोग और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि गलतियों से सीखना न केवी की आदत है न सुरभि की, और सुशांति की तो आदत है ही नहीं कि गलतियों से सबक सीखना। इसने खुद ने बोला अपने मुंह से, एक बार मुझे मौका दीजिए मैं यू नो इंप्रूव करूंगा। कितनी बार ये बंदा खुद बोल चुका मैं इंप्रूव करूंगा, किया एक बार भी इंप्रूव? नहीं किया। सुरभि जो हमेशा बोलती है अपनी गलतियों से सबक सीखती हूँ, सलमान भैया मैं गलतियों से सबक सीखती हूँ, घंटा सीखती हो तुम, अगर सीखा होता ना तो ये नौबत नहीं आती और सीखने की, और सीखना तो दूर, आपको तो हेल्दी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त भी नहीं होता, जिस तरह से आज यू नो सलमान खान के सामने ही इतना कुछ आपने बोला, पार्शियलिटी। सलमान खान को बोलना था वहां पर, अगर देवी आपको लग रहा है मैं पार्शियल हूं ना, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस राइट नाउ। सलमान खान पता नहीं क्यों इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। यू नो एज अ होस्ट अगर कोई आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है तो फिर एज अ होस्ट आपको उस इंसान को निकाल देना चाहिए। आपने शिवाशीष को तो तुरंत निकाल दिया रूल्स का हवाला देकर, ये आपके सामने इसी एपिसोड में आप ही के आंखों के सामने बोल रही थी एज अ होस्ट, मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, सबको सबका नहीं दिखता मेरा दिखता है, तो बोल देना था ना सलमान खान आपको, जब मुझे नहीं दिखता का सबका तेरा दिखता है, गेट लॉस्ट, निकल, जो खाड़ना उखाड़ ले जाके। इस एपिसोड में कोबरा फैमिली को जिस तरह से उन्होंने जिल्लत के लड्डू दे वो तो काबिले तारीफ है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दीपिका और श्री को अच्छे से सपोर्ट किया, हेड्स ऑफ सलमान खान, जो आपने दीपिका के लिए बोला है, ये सुशांति जिनकी कोई औकात नहीं है ये क्वेश्चन करते हैं दीपिका का वजूद क्या है, दीपिका क्या है, आज सलमान खान ने अच्छे से साबित कर दिया। श्रीशांत कौन है ये भी आज सुशांति को अच्छे से पता चल गया। सुशांति सुरभि और कुछ हद तक दीपक को भी मैं बोलूंगा, इनकी हैसियत नहीं है कि ये शो के बाहर निकलकर कभी दीपिका या श्रीशांत से मिल भी सके या सेल्फी तक ले सके। दीपिका ने अपना मुकाम अपने बूते बनाया है, श्रीशांत ने अपना मुकाम अपने बूते बनाया है। जस्ट बिकॉज वो इस शो में है तो तुम कुछ भी बोल देते हो कि श्री होगा घर का, अपने दीपिका होगी अपने घर के, ऐसे ही ना घटिया लोगों को शायद जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा श्रीशांत या दीपिका के साथ बात तक करने का, और वहां और यहां ये लोग हद दर्जे की बदतमीजियां कर रहे हैं इनके साथ। तो श्रीशांत ने दीपिका के लिए सलमान खान ने जो भी बोला वो बिल्कुल सही बोला, और ये चीज आई थिंक काफी टाइम पहले ही बोल देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ सेलिब्रिटीज जिस तरह से बदतमीजियां झेल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि आगे आने वाले सीजन में कोई भी सेलिब्रिटी आना चाहेगा अगर ऐसे घटिया कॉमनर्स को लाया जाएगा तो। खैर, जिल्लत के लड्डू के साथ सलमान खान ने यहाँ ये भी बोला कि भाई ये घटिया पंती जॉब करती हूँ ना सुरभि, जिसकी वजह से टीआरपी गिर रही है, ये इरिटेशन है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से टीआरपी गिर रही है। दोस्तों मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था, सीजन के स्टार्ट में ही मैंने एक वीडियो डाला था जहां मैंने कंपेयर किया था सीजन 9 जो प्रिंस नरोला जीता था, सीजन 9 को सीजन 12 से, क्योंकि सीजन 9 में भी डबल ट्रबल था, जोड़ी थी, यहां पर भी जोड़ी थी मैं, और मैंने उस वीडियो में जबरदस्त तरीके से उसी दिन बोल दिया था कि ये बिग बॉस 12 कुछ और नहीं, सीजन 9 को रिपीट कर रहा है हर चीज में, चाहे वो टास्क हो चाहे वो कंटेस्टेंट, क्योंकि उस सीजन में भी कंटेस्टेंट एकदम झंडू थे, उस सीजन में भी जोड़ियां थी, और वो सीजन भी बहुत बड़ा डिजास्टर था, सीजन 12 उसको हू बहू कॉपी कर रहा है, आपको सबको पता है टीआरपी में एकदम डिजास्टर हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई जो बटन है उसमें भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो सीजन है ये फ्लॉप है, इसकी टीआरपी कम है, इसका सबसे बड़ा कारण क्रिएटिव टीम है, चैनल का ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच है, सलमान खान का एकदम कैजुअल अप्रोच है। सलमान खान जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती थी, लेकिन इस सीजन में वो एकदम धुलमुल तरीके से आते रहे, कैजुअली करते रहे। आज के इस एपिसोड में आपने देखा एक बात जो मैंने अपने पिछले वीकेंड में के बार के रिव्यू में भी बोली थी कि ये वो सलमान खान नहीं जो जिसको मैं देखता था। मैंने उस दिन कहा था कि सलमान खान जब किसी से बात करते हैं तो सिर्फ उसी इंसान से बात करते, कोई बीच में कूदता है टबुकता है तो सलमान खान उसको रोक देते थे, लेकिन हमने हमेशा देखा है सलमान खान सुरभि को स्पोक पर्सन बना लेते हैं, फिर दीपक बीच में कूदता है, फिर सोमी बीच में कूदती है। आज सलमान खान जब केवी से बात कर रहे थे चेस्ट बंपिंग के ऊपर, रोमिल बीच में कूदा था तो सलमान खान ने क्या बोला था याद है आपको, केवी आई एम टॉकिंग टू यू, रोमिल चुप हो गया था। अब यहां पर मैं मेरी फेवरेट सोमी का जिक्र करना कैसे भूल गया, ओवरलैप करती है, बदतमीजी से बात करती है, ये सब आपको पता ही है कि वो कितनी हद दर्जे की घटिया लड़की है। इस वाले वीकेंड के बारे में सलमान खान ने अपनी आंखों के सामने प्रूव कर दिया कि सोमी न्यायती नाकारा बदतमीज बेगरत बकवास लड़की है, और इसको बड़ा घमंड है कि ये मेरा बात करने का स्टाइल है। सलमान खान ने क्या बढ़िया तरीके से जिल्लत का लड्डू उसको भी पकड़ा दिया है कि तुम नंबर वन बकवास हो, तुम बदतमीजी करती हो और दूसरों को बदतमीज बोलती हो, एंड सोमी खान को तो मतलब ये है कि मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ। वो तो गनीमत है कि उसने यहां नहीं बोला, वरना उसके एक्सप्रेशन से तो लग गया था कि सलमान खान को भी बोलती कि सलमान बदतमीजी नहीं प्लीज, हाँ बदतमीजी नहीं, आप सलमान हो गए होश हो गए अपने घर के।
आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि चैनल को सोमी खान में ऐसा क्या दिख रहा है, वो न्यायाधी वीक कंटेस्टेंट है और वीक कमजोर सुनते ही नसीसके गुर्दों में आग लग जाती है, फट पड़ती है, पता नहीं खुद को क्या समझती, ग्रेट खाली समझ रही क्या खुद को, तूने इस शो में अब तक अपने बलबूते किया क्या है, एक तू और एक सुचांती दूसरों के रहमो करम पर पल रहे हो, दूसरों की कृपा के ऊपर तुम लोग शो में टिके हुए हो और दोनों अपने आप को इतना बड़ा 30 मार का समझते हैं, पता नहीं कौन सी घुट्टी पीकर आए हैं ये लोग, जो यू नो एक अपने हिरेवा में झांक कर नहीं देख रहे कि हमारी कोई औकात नहीं है, हम दूसरों के रहमो करम पर है, उसके बाद भी खुद को मतलब क्या समझ रहे हैं सुशांति और सोमी, इनको तो मतलब धक्के मार के निकाल देना चाहिए था 2-3 वीक पहले ही, पता नहीं क्यों ढो रही चैनल की टीम इनको। चलिए ये तो हो गया वीकेंड के बाहर का रिव्यू, आज होगा फैमिली पैनल जहां पर की श्रीशंत की वाइफ आएंगी और विस्फोटक फैमिली सुरभि राणा। सुरभि राणा का परिवार कह रहा है कि भैया मेरी बहन बहुत विस्फोटक है, तो भैया सुरभि राणा के परिवार के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि भैया सुरभि राणा के घर से कम 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, इस घर में भयंकर विस्फोटक सामग्री है, मोदी जी हमारे देश की सरकार सुरभि राणा के घर जहां पर है उस सिटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की पुलिस, वहां फायर ब्रिगेड, वहां के कमिश्नर, प्लीज आप ये मेरा वीडियो देख लीजिए, सुरभि राणा का परिवार विस्फोटक है, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री उनके घर में रखी हुई है और ये खुलासा बिग बॉस के घर में सुरभि राणा का विस्फोटक भाई कर रहा है, और ये विस्फोट विस्फोटक की बात करने वाला सुरभि का भाई जिसको सुरभि हल्क से कंपेयर कर रही है, मेरे भाई हल्क जैसे, अबे हल्क ये, अबे ये हगोड़ा हल्क, अबे हल्क भी ना इसको देखकर बोल देगा बाप रे बाप मेरी एवेंजर को इंडिया में रिलीज मत करना, अगर वहां पे मैं ऐसा दिखता हूं तो भैया प्लीज मुझे थानों उसके हाथों पिटवा दो या फिर कुछ भी कर दो, मैं बाहर नहीं आने वाला, अगर ऐसे लोग खुद को हल्क से कंपेयर करते तो बताओ ऐसा हगोड़ा हल्क, अबे मतलब क्या बोला जाए, मुझे सुनने में आ रहा है कि संडे को फैमिली एपिसोड आने वाला है जिसमें ये हगोड़ा हल्क घर के अंदर गया है और वहां किसी से कुछ नहीं बोल पाया, थर थर कांप के वापस आ गया है, वो तो होगा ही ना क्योंकि पैनल डिस्कशन में मनाली से लाया हुआ स्पेशल चरस गांजा फूंक कर गया था, बड़ी बड़ी बकचोदी करी, और जब वीकेंड के और जब फैमिली एपिसोड में जब घर के अंदर जाना है तो शायद माल लेने का टाइम मिला नहीं होगा, तो वहां पर ऐसा ऐसा करके बाहर आ जाएगा ये हगोड़ा हल्क। चलिए इसी नोट पर ये वीडियो खत्म करता हूं मैं, और हां कैसे भूल गया, आज रात को जसलीन और मेघा का इविक्शन भी होगा। अब ये बात तो जसलीन और मेघा के इविक्शन से साबित हो गई है कि चैनल को ना वोटिंग की परवाह है, ना वोटर्स की परवाह है, ना वोटों की परवाह है, कायदे से टेक्निकली जाना चाहिए था दीपक ठाकुर को, लेकिन दीपक को बचा लिया गया है, जसलीन और मेघा जा रही हैं ये मैं बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही को काफी अच्छी मात्रा में वोट मिले हैं, लेकिन ये चैनल है और चैनल ने ठान के रखा हुआ है कि हमें घटिया लोगों को आगे तक लेके जाना है, लेकिन इतना तो पूरी तरह से पक्का है कि जसलीन और मेघा किसी भी तरह से डिजर्व नहीं करती थी जाना, चैनल ने जानबूझकर दीपक को बचाया है, ये मैं यू नो अपने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, जब वो कैप्टनसी की दावेदारी हो रही थी जसलीन को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया एपिसोड में, मेघा को भी बहुत ही कम देर के लिए दिखाया गया, वीकेंड के बाद में भी देखा मेघा और जसलीन ने जो यू नो चीख चीख कर बात की थी उसको तो सलमान खान ने अपने निशाने पर ले लिया, लेकिन जिस हद दर्जे की बदतमीजी ये लोग कर रहे थे उसके बारे में सलमान खान बहुत कम बोले। और हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, घर में जो राशन की चोरी हो रही है, दूध चोरी हो रहा है, कॉफी चोरी हो रही है, खाने पीने की चीजों को छुपा छुपा कर जूते में रखा जा रहा है, इसके बारे में सलमान खान क्यों नहीं बोले, इसके बारे में क्यों नहीं बोले, क्योंकि ये मुद्दा तो सभी से कनेक्टेड था, इस मुद्दे के ऊपर तो सलमान खान को बोलना ही था, ये बिग बॉस है, किसी के बाप का घर नहीं है जो राशन पानी अपनी अपनी यू नो पर्सनल जगहों में छुपा के रख लो, बाकी के लोग चाय के लिए दूध के लिए तरसते रहे, इस बारे में सलमान खान को बोलना था लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बोला, ये जो इश्यू था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको तो जबरदस्त तरीके से हाईलाइट करना था, बट आई डोंट नो उन्होंने क्यों हाईलाइट नहीं किया, और अब मुझे लगता भी नहीं कि वो कर पाएंगे इस इश्यू को हाईलाइट। एनीवे ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया आई गेस, इसको यही खत्म करता हूं, आप अपने कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कीजिएगा डीएसके टॉक्स को, आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।